ये जगह जो है इतनी ज्यादा सेंसिटिव है कि यहाँ आते के साथ में अगर हमको किसी ने यहाँ देख लिया तो भाई हम जो है घर पे नहीं सीधा थाने में मिलेंगे। ये जगह ही इतनी ज्यादा सेंसिटिव है। और आज का जो टाइम है ना, एक बार टाइम दिखा दे भाई, टाइम क्या हो रहा है, टाइम शो कर दो एक बार। रात के इस टाइम पे जो है ना हम यहाँ पे आए इतनी ज्यादा रिस्क लेकर के, और लोकेशन के बारे में आप लोगों को बताइए, उसके अलावा वापस से एक बार जो है ना इस लोकेशन के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। इस लोकेशन पे एक लड़की है जो 24 साल की, उसकी उम्र मौत की नहीं जिंदगी जीने की थी, पर क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से उसे छत से कूदना पड़ा या फिर किसी ने उसको जानबूझ के वहां से गिराया। जो ये चीज हुई है ये इतनी ज्यादा भयानक थी। यहाँ पे जो इतना बड़ा मॉल है इसमें जितनी दुकानें लगती थी नीचे या ऊपर सारी धीरे धीरे एक एक करके बंद होने लगी। और जो बुजुर्ग थे या जो शुरुआत से यहाँ शॉप लगा रहे थे वो लेट नाइट तक खुले रखते थे क्योंकि चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन इतना लेट नाइट तक उनका खुला रखना शायद उस लड़की को गवारा नहीं हुआ। और धीरे धीरे करके एक एक को दिखने लगी और ऐसी ऐसी आवाजें आने लगी जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। उस लड़की के डर से या उसकी रूह जो नजर आती थी उसके डर से यहाँ पे एक एक करके उन दुकानदारों की मौत होने लगी रहस्यमय तरीके से। और वो मौतें आम नहीं थी। 5 मौत होने के बाद में इस जो मॉल है, ये जो मॉल है यहाँ जो दुकानें लगती थी उनको बंद कर दिया गया। और ये 5 ज्यादा पुराने नहीं है, आज से 7 महीने के तकरीबन हुए इस मॉल को बंद हुए हुए। और ये इतना ज्यादा वीरान और सुनसान हो गया कि यहाँ पे कोई इंसान आने की हिम्मत नहीं करता। अकेला तो कोई आ भी नहीं पाया। पिछली बार मैं अकेला आया था, इस बार दीपक को साथ लेकर आया हूँ, कैमरे पे सूरज है। हम तीनों भाई जो है इस लोकेशन को इन्वेस्टिगेट तो नहीं, ये नहीं बोलूंगा, पर इस लोकेशन का जो सच है वो आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है कि मैं जो है लाइनें ज्यादा बोल देता हूँ, लेकिन भाई लोकेशन पे जब तक बात क्लियर नहीं होगी ना तब तक चीजें समझ में नहीं आएगी। फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, फिर भी अगर कुछ बातें रह गई हो तो माफी चाहता हूँ। इस लोकेशन की शुरुआत करते हैं भाई, ध्यान रखना अपना। हंसने की आवाज आई ऊपर से, आई थी हल्की सी, तो पिछली बार आई थी ना, सेम हंसने की आवाज आई है। सॉरी, ध्यान रखना अपना, ठीक है। ज्यादा बहुत खतरनाक जगह है। यही पे खड़ी थी। दीपक एक चीज का हमेशा ध्यान रखना,
जब भी हंसने की आवाज आए उसको अवॉइड मत करना बिल्कुल भी। देखो आप यहाँ पे हो और हम आपको सताने और परेशान करने के लिए यहाँ पे नहीं आए। हमारा इरादा जो है आपकी मौत के पीछे की वजह को जानना है। क्या हम वो वजह जान करके आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? क्या आपकी जो मौत हुई है वो खुद से हुई है या फिर कोई था उसके पीछे? इतनी ज्यादा सेंसिटिव है कि हम चाहकर भी यहाँ पे कैमरा बंद नहीं कर सकते। इसके अंदर एंटर होती कैमरा चालू करना है कुछ भी क्योंकि वो तो 24 साल की लड़की क्यों खुद से मरने की कोशिश करेगी? कोई तो वजह रही होगी उसमें। बिल्कुल इतना आसपास जा रहा है चारों तरफ ध्यान दे। ऐसा लगा जैसे कोई खड़ा था उसे। इधर से भाई पीछे के लिए कभी पीछे सुनो थोड़ा स्लोली मेंटेन करना क्योंकि भागने की जरूरत पड़ेगी ना। नीचे तो नहीं भागने की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर रास्ता होना चाहिए। यार आ गया। देखो आप हमसे बात करने की कोशिश करो, हमें डराने की जरूरत नहीं है। हम जो है आपसे सिर्फ बात करना चाहते हैं, आपके साथ में जो हुआ है उसकी वजह जानना चाहते हैं। क्या आपकी मदद मिल सकती है हमें? सूरज फोकस करके सामने बिल्कुल सामने आ सकता है भाई सामने रख यार पीछे समझ नहीं थी फिर से हो गया आई होगा अपन ने बात कर लिया यार जितना हो सकता फोकस रख लो पे नहीं जरूरत नहीं है। देखो हम जो उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पता नहीं क्या ऐसा मोमेंट हो रहा है जिसकी वजह से हम उसको मिस कर दे रहे हैं। उसके सामने होते हुए भी हम जो है उसको रिकवर नहीं कर पा रहे। ये कैसी आवाज है? और कुछ भी नहीं बोल सकते रोने की। इससे जस्ट पहले हंसने की आवाज आई थी भाई। आवाज यहां से आ रही है
देखो हमसे बात करने की कोशिश करो प्लीज, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते हैं। हंसने की आवाज आई थी, हंसने की आवाज आई थी। आई आई जगह बोल इधर से हंसने की आवाज इधर से आई थी। इधर से आई थी हाँ, गायब इधर से हुई है। हंसने की आवाज इधर से आई थी, उधर से चले। हाँ आराम से आराम से। ओ भाई यहाँ पे साथ तो हमें डराने की कोशिश मत करो, कहीं ना कहीं हम जो है आपकी मदद करना चाहते हैं और रोशनी बढ़ा लेंगे। हाँ रोशनी बड़ा सोच, रोशनी बढ़ाई हुई है मेरी बातों को समझने की कोशिश करो आप प्लीज। कैमरा सामने था क्या? हाँ सामने तो था, बात कर रहा था। देखो सामना बात करते हैं, चलो देखो हमारी बात सुनो, हम आपको परेशान नहीं कर रहे। पीछे से आवाज आई थी एकदम, पर मैं घर हो गया, पता नहीं कहां से कहां चली जा रही है ये चीजें, कहां से आ रही है। और साथ में रहो भाई यार, देखो आप यहाँ हो घूमने वालों को और हम जो है आपको किसी भी तरह से परेशान करने की इरादे से यहाँ नहीं आए।
कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हमारे यहाँ आने का बुरा मत मानिए, हम जो है किसी भी गलत इरादे से यहाँ नहीं है। ये सेम सा ही लग रहा है यार पूरा। ये तो यार कुछ बना हुआ है। जी हाँ, आवाज कहाँ से आ रही राउंड इधर आ। हो सकता है इधर कहीं से आ रही है, सिस्टम आ रही है आवाज। वही तो बहुत ज्यादा इको हो रहा है और आवाज पता नहीं चल रही से। आराम से आराम से कहाँ से कर रहे हैं में क्या भाई डीप था अंदर, जितना जा रहे हैं उतना दुष्टता अपन डीप होते घूमते जा रहे हैं। सूरज हमारी बातों को समझने की कोशिश करो। आप हमारे इरादे गलत नहीं है आपके लिए, बस जो आपके साथ में हुआ वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था उस दिन जो आपको ये कदम उठाना पड़ा। तू
वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है भाई। चलो यार सूझे भैया, पहले भी इसी गेट के अंदर से आवाज आई थी, ये गेट ऑटोमेटिक खुल गया था पहले भी। देखो सूर्य भाई ले निकल यहाँ पे। सूर्य भाई ये वाला ना, ये कहाँ से आया था ऊपर वो मिस्टर्स। देखो तुम जहाँ भाई जो हमें डराने की कोशिश मत करो, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। तुम हमें ऐसे डरा नहीं सकती हो। देखो तुम हमें ऐसे डरा नहीं सकती हो। खड़ी है अंदर, मैंने देखा उसको। एक पीछे साल चलो ठीक है। क्या आखिरी बार है कुछ दिखा तो ठीक निकलते सामने खड़ी फिर से सामने। इस बार कैमरा मत रखना, तेरा कुछ है देखो। तुम जो डराने की कोशिश कर रही हो वो डराने की कोशिश बंद कर दो, हम डरने वाले नहीं है। तुम हमें जितना डराओगे हम उतना ज्यादा यहाँ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आखिर हुआ क्या था उस दिन तो तुम्हें ये कदम उठाना पड़ा, बताओगे हमें क्या हुआ था उस दिन? Thank you.